पॉलिटिकली किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी को अब पता चल गया है कि कोई भी ताकत जो है कांग्रेस को डूबने से बचा नहीं सकती, इसलिए बार बार कोशिश होती है कि कभी पार्टी का अध्यक्ष बदल लो, कभी पार्टी का चीफ मिनिस्टर बदल लो। लेकिन अब इलेक्शन तो सिर पे है, ढाई तीन महीने में कोई भी नया सीएम भी ये बना लें तो जो अनाउंसमेंट्स हैं इनकी, जो प्रॉमिस हैं लोगों के साथ, वो कौन पूरे करेगा? अब इनको एक ही बात की होड़ लगी है कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह का चेहरा आगे करेंगे तो 90,000 करोड़ का कर्जा माफी का वादा, घर घर नौकरी का वादा, 4 हफ्तों में नशा खत्म करने की, और जो गुटखा साहब की कसम थी वो सामने आई। तो वो चाहते हैं कि किसी और को मोरा बना के आगे कर दें और ब्लेम कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर डाल। लेकिन इसके लिए तो सोनिया गांधी भी जिम्मेवार, इसके लिए राहुल गांधी भी जिम्मेवार। जो मैनिफेस्टो दिया था इन्होंने, वो तो इन सबकी उनके फोटो लगी हुए हैं। कल जब श्रोमणी अकाली दल ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकाला तो इन सबको लगा के हम जो कह रहे थे कि श्रोमणी अकाली दल के साथ लोग नहीं है, किसान नहीं है, तो कल इन सबकी जो है बोलती बंद हो गई और रात रात इनको लगा कि कोई ना कोई हमें करना, लेकिन ये कुछ करने अब कांग्रेस को कोई बचा नहीं सकता। आपको लगता है जो मतभेद थे कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुख्यमंत्री पंजाब और नवजोत सिद्धू, उसका ही नतीजा सामने आ रहा अभी कहना? तो जाहिर जी गल है कि मुख्यमंत्री बदल दो, प्रधान बन दो, इंचार्ज बदल दो, इसनों बदल दो, उसनों बदल दो, इसके खिलाफ अगर कोई लोग ने उन्होंने पीलर बना के खड़े कर दो, अगर यही सब कुछ चलता रहेगा तो आवाम दे नाल जुड़े हुए मुद्दों से गल कदों होएगी? आवाम दे नाल जुड़े जो मसले अटके पए ने, लटके पए ने, उससे काम कदों होएगा? 18 सूत्री एजेंडा कदों मुकम्मल होएगा?